कि एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। मैंने कहा आप कुछ टोपियों के मुगालते में आ गया। मैंने कहा यहाँ हर हिंदुस्तानी की प्रोटेस्ट है। ये दलितों की प्रोटेस्ट है, पिछड़ों की प्रोटेस्ट नहीं है। भगवान के लिए इसे मुसलमान तक महदूद मत करिए। उस रवायत का आप कत्ल कर रहे हैं तो हुजूर आज आपको दो चार सीट ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप तारीखी गुनहगार हैं। ये हमारी हुकूमत है। ये मुझे सच बताऊं कि रोहिंग्या पर जब इन्होंने ये पोजीशन लिया, मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि अभी एक बापू का मुल्क नहीं रहा। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार आती है जाती है। आप चले जाओगे, शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में आज हो गई, बहुत जल्द आप जाओगे। मुल्क हमेशा जिंदा रहता है, पार्टियां तो मर भी जाती हैं। इंसानियत के बेसिस पे, इंसानियत की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को जो है रोहिंग्या रेफ्यूजीज को बाहर भेजने की बात बंद कर देनी चाहिए। ऑनसोंग सूची जिन्होंने खुद यहाँ पे पढ़ाई की है, उन्होंने मतलब उनको जो है वो जिस तरह से वहाँ पे उनकी सरकार के अंदर जैसे जेनोसाइड चल रहा है, जैसे नरसंहार चल रहा है मुसलमानों का, वो बंद होना चाहिए। क्या ये प्रोसेस एक दिन का होना चाहिए और कुछ घंटों का होकर खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग उम्मीद में लिख रहे हैं, यहाँ पे सभी सरकारों की एम्बेसी है। प्रोटेस्ट तो मान लीजिए एक एम्बेसी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, यहाँ पे सभी सरकारों की एम्बेसी है। सब लोग मतलब जो है इसका नोटिस ले। हम चाहते हैं कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस चीज का नोटिस ले। और दूसरे जो इस हमारे मुल्क के अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये मुस्लिम इशू की तरह इसको ना देखा जाए। अभी आप जब देखते हैं, जब हम एक कौम पर जब हम ये चीज को बर्दाश्त करेंगे, एक कौम का हम लोग कर ले बर्दाश्त करेंगे, तो ये दूसरी कौम के साथ में वहाँ पे जैसे हम रखने में देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ पे जो हिंदू लोग भी हैं उनके साथ में भी नरसंहार चल रहा है। वो लोग अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े होकर जो है शरण मांग रहे हैं। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।